वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन में थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। बहुत अच्छी पढ़ाई तो नहीं हो रही, इस चीज़ को समझ सकता हूँ। कहीं ना कहीं मन में टेंशन लगी रहती है कि इस बीमारी में क्या होगा, हमारा अस्तित्व बचेगा खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। परीक्षाएं भी होंगी, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, मुलाकात भी होगी। लेकिन इस लॉकडाउन में एक आप कह सकते हैं घर में बैठने का एक अच्छा मौका आपको मिला है, जिससे आप जो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, पढ़ाई करने का समय नहीं है, मैं यहाँ बिजी रहता हूँ, उन सभी से छुटकारा इस समय बिल्कुल पाए हुए हैं। बाहर से एक अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी कर सकते हैं और आने वाले किसी भी एग्जाम को आप इजिली क्रैक कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर दिए थे, मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ दिए हुए हैं, कुछ लोगों ने डिमांड की सर कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ पार्ट क्लियर कर दीजिए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज से मैं शुरू कर रहा हूँ कुछ महाद्वीप, जो खास जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आना बिल्कुल तय होता है, उन महाद्वीप को पहले मैं लूंगा, जो इजिली आपको समझ में भी आ जाए ताकि आप बोरियत महसूस ना करें। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम लेके चलेंगे, सबसे पहले महाद्वीपों के बारे में जानेंगे कि भारत में कुल कितने महाद्वीप हैं, कैसे कैसे उनका डिवाइडेशन है, कितना कितना एरिया कवर करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इन महाद्वीपों को क्षेत्रफल के घटते या बढ़ते क्रम में लगाइए। जैसा कि आपको पता है किताबों में पढ़ा हुआ कि हम विश्व में टोटल का लगभग 70% भाग पे जल है, शेष भाग पे स्थल है, जहां पर हम निवास, समस्त मानव जात निवास कर रहा है। तो पहला फर्स्ट उसका हम डिवाइडेशन देखेंगे कि वो कौन कौन सा कितना कितना सा परसेंटेज है जहां पर पूरा डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम कंप्लीट विश्व की बात कर रहे हैं तो पूरे विश्व का 30.71% भाग स्थल है। क्लियर? 69.29। अब ये आप लर्न मत करो, जब आप ये याद कर लोगे, चूंकि टोटल होता है आपका 100%, कोई भी चीज टोटल कितनी होती है 100%। अगर आपने एक एरिया याद कर लिया है कि टोटल स्थल कट भूम अर्थ वाला पार्ट कितना है, 30.71% है, 100 से माइनस करेंगे तो यही आएगा, इतने प्रतिशत भाग पर जल है। मीन्स ये लगभग, इसको कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, 2/3 समस्त का, संपूर्ण का 2/3 भाग पे जल है, 1/3 भाग पे हम लोग निवास करते हैं। अब 1/3 भाग में इतने महाद्वीप आते हैं, 1/3 उस स्थल, जो 1/3 भाग स्थल है जल में, तो आप निवास स्थान बना नहीं पाएंगे। तो इस 1/3 भाग में हम लोग निवास करते हैं। अब इसमें एरिया बटा हुआ है, किसी को स्थल का छोटा भाग मिला, किसी को बड़ा मिला। तो देखा जाए, इसमें अगर हम क्रम लगाने की बात आ जाए, तो सबसे ज्यादा जो स्थल खंड का भाग मिला है दोस्तों, डिवाइडेशन में गया है, वो सबसे अच्छा गया है एशिया के पास क्षेत्रफल में नंबर अगर रैंकिंग की जाए तो फर्स्ट रैंकिंग एशिया की आती है, सबसे अच्छा क्षेत्रफल एशिया के पास है। टोटल का मीन्स टोटल जो आया था आपका लगभग 30% आया था, 30.71%, इसका डिवाइडेशन करिए तो इसका अगर ये टोटल 100 भी मान लीजिए आप कि जो है टोटल 100 है, जो है टोटल, उस 100 का 30.39% एशिया के पास, मतलब लगभग 1/3 में आपका एशिया बसा हुआ है। टोटल का 100 के 20% भाग पे अफ्रीका बसा हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप बसा हुआ है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका लगभग 16% पे है, दक्षिण अमेरिका लगभग 11% पे है, अंटार्कटिका है। इसी प्रकार यूरोप आपका महज 6% पे है और ऑस्ट्रेलिया भी लगभग 6% से थोड़ा सा कम है, अप्रोक्स 6% आप मान के चल सकते हैं। सो क्षेत्रफल वाइज अगर ऑर्डर लगाने की बात आए तो सबसे ज्यादा महाद्वीपों में, सातों महाद्वीप में नंबर 1 रैंकिंग एशिया की होती है,
नंबर दो पे आपका अफ्रीका आएगा, नंबर तीन पे उत्तरी अमेरिका आएगा। दोस्तों एशिया अफ्रीका तो सभी लगा लेते हैं, लगाने की प्रॉब्लम इसके बाद होती है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो याद रखिएगा पहले ज्यादा एरिया उत्तरी अमेरिका का है, उसके बाद किसका है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है। और दक्षिणी अमेरिका के बाद फिर लोग कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज नहीं, उसके बाद अंटार्कटिका का है, और अंटार्कटिका के बाद नेक्स्ट आता है यूरोप, और यूरोप के बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है ऑर्डर लगाने के लिए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो आज हम यही से शुरुआत करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से। सबसे छोटा महाद्वीप जो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों क्षेत्रफल का ऑर्डर आप देख चुके हैं, इसके बाद अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किन किन महासागरों से या सागरों से घिरा हुआ है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन सागर को लेके आ जाते हैं कि जो जलसंधियां होती हैं किन किन सागरों को जोड़ रही हैं, और जलसंधियां अक्सर किन्हीं दो सागरों को जोड़ती हैं तो किन्हीं दो स्थल खंडों को अलग भी करती, इस बात पर ध्यान रखिएगा। मीन्स एक जलसंधि दो क्वेश्चन बना सकती है, तो कौन कौन सी फेमस जलसंधियां हैं जो यहाँ से कवर होती हैं वो देख लीजिए। पहले पहले इधर देखिए, आपका लेफ्ट में इधर आते हैं पूरा ये हिंद महासागर आपका है, ऊपर आप जाते हैं तिमोर सागर है, और ये आपका तिमोर सागर हो गया, ये आपका अराफुरा सागर हो गया, और ये आपकी कार्पेंटिया की खाड़ी हो गई, और ये आपका हो गया दोस्तों कोरल सागर। पेपर में ये संधि बहुत पूछी गई जलसंधि टॉरस, कहीं कहीं टॉरस कहीं कहीं टारस, टॉरस जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है, तो ध्यान दीजिएगा कोरल सागर एवं अराफुरा सागर। तो अराफुरा सागर एवं कोरल सागर की जलसंधि को जोड़ने वाली जो राशि है उसको बोलते हैं टॉरस जलसंधि। ये एक जलसंधि है इन दो सागरों को जोड़ रही, इन दो सागरों को जोड़ने के साथ साथ दो महासागरों को भी जोड़ने का कार्य कर रही है। अगर कोरल सागर को रीड ना करूं तो देखते हैं कोरल सागर किस महासागर में है। तो दोस्तों इधर का ये महासागर आपका है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर ये पूरा फैला हुआ है, और इधर आप आ रहे हैं तो ये पूरा आपका दोस्तों हिंद महासागर है, पूरा कंप्लीट। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर इस जलसंधि के द्वारा जुड़ रहे हैं। देखिए ये वाटर इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है ये। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच की जल संधि को टॉरस जल संधि भी हम कह सकते हैं। दो पॉइंट नीचे आएंगे, नीचे एक जल संधि है बास जल संधि, देखिएगा ये बास, मैंने काफी ग्रीन कर दिया वाटर आपको दिखाई पड़े, ये आपकी बास जल संधि है। किसको किसको जोड़ रही है, तो इधर आपका तस्मान सागर है दिख रहा होगा, इस साइड में आपका तस्मान सागर है, और इधर आपका ये हिंद महासागर है, ये आपका हिंद महासागर है। तो तस्मान सागर को हिंद महासागर को क्या कह सकते हैं, तस्मान सागर किसका पार्ट है, प्रशांत का है, फिर पुनः प्रशांत को और हिंद को जोड़ा जा रहा है यहाँ। और इसके आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो इसको द्वीपीय महाद्वीप तो कहते ही है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया को मिला के। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल मिला के 11 देश आते हैं, 11 के 11 देश इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ा देश जो आपका ऑस्ट्रेलिया जो मैंने बना रखा है आपका डायग्राम, यह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छोटे छोटे देश हैं जो उधर हमने देखे उस साइड में दिखा रखे हैं, जैसे ऊपर पापुआ न्यू गिनी, नौरू, सोलोमन, वनुआतू, फिजी, तुवालु, किरीबाती, ये सारे छोटे छोटे इसके अन्य देश हैं। तो इन सबको मिला के टोटल 11 देश हैं। इसमें केवल हम ऑस्ट्रेलिया की ही बात करेंगे, अन्य देशों की बात अभी नहीं करेंगे, नहीं तो काफी कंजेस्टेड हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे इसमें। सो अन्य देशों को अगर मैं यहां से हटा दूं, देखिए किरीबाती, नौरू ये सब हटाइए, इनको कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे इधर देखिए, दो इंपॉर्टेंट है आपका, इधर ये आपका दिख रहा होगा न्यूजीलैंड, और इधर ये आपका तस्मानिया। इन दो को इसके साथ डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसके साथ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन सवालों को हम बाद में फिजी वगैरह को बाद में डिस्कस करेंगे। न्यूजीलैंड
एंड तस्मान, तस्मानिया, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कैसे? जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो किस किस महाद्वीप पर है, उत्तरी या दक्षिणी। तो न्यूजीलैंड दो पार्ट में बटा हुआ है और यहां एक जलसंधि है, कुक जलसंधि है। कुक जलसंधि के द्वारा ये देखिए डिवाइडेड दोनों है, ये दोनों स्थल भाग, न्यूजीलैंड का ये उत्तरी है, ये जो जलसंधि यहां पे कुक, कुक जलसंधि है, कुक जलसंधि के द्वारा न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन जो न्यूजीलैंड की कैपिटल एग्जाम में पूछी गई है वो दोस्तों वेलिंगटन है और जो कि उत्तरी द्वीप पर है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ। अब यहां ये हम बात करें स्टार्टिंग में टॉरस जलसंधि, टॉरस जलसंधि क्लियर हो गई होगी। टॉरस जलसंधि में एक चीज और देख लीजिए, ऊपर ये पापुआ न्यू गिनी है या पपुआ या पापुआ न्यू गिनी है और नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के स्थल खंडों को कौन जलसंधि अलग करती है? टॉरस। तो ये दो स्थल, एक स्थल ऊपर है एक स्थल नीचे है, इन दोनों को अलग का कार्य कौन कर रहा है? टॉरस जलसंधि। तो क्वेश्चन पूछ सकता है टॉरस जलसंधि किन दो स्थल खंडों को अलग करती है? तो एक स्थल खंड है आपका पापुआ न्यू गिनी का है और दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया का है। अगर मैं पूछूं कुक जलसंधि किन दो स्थल खंडों को अलग करती है, तो न्यूजीलैंड दो पार्ट में है, उत्तरी एंड दक्षिणी। तो उत्तरी एंड दक्षिणी, जो न्यूजीलैंड के दो द्वीप है, उत्तरी द्वीप एंड दक्षिणी द्वीप, इन दोनों को कौन अलग करता है? कुक जलसंधि अलग करती है। नेक्स्ट आइए, इसके बाद यहां के नेक्स्ट देखिए, इस ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रांत हैं, कौन कौन से मुख्य प्रांत हैं जो पूछे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में इधर देखिए, ये आपका टोटल इधर का पार्ट है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, इतना देखिए मैंने दिखा रखा है ये ग्राफिक के तरीके से, ये पूरा कंप्लीट आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। ये वाला पार्ट आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ये हमारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया। इधर आते हैं ये आपका क्वींसलैंड आ जाता है, और ये बीच में यहां का ये पार्ट इतना पार्ट ही देखिएगा, ये पार्ट इतना पार्ट, ये पार्ट आपका न्यू साउथ वेल्स में आ जाता है, इतना पार्ट आपका न्यू साउथ वेल्स, और ये वाला पार्ट जो आपका है देखिए कितने पार्ट हो गए, एक पार्ट ये कंप्लीट निकला आपका, दूसरा निकला ये वाला उत्तरी वाला हो गया, नेक्स्ट ये वाला पार्ट हमारा छूट रहा है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, एक पार्ट हमारा ये हो जाता है। इसके अलावा एक आपका हो जाता है ये वाला हो जाता है क्वींसलैंड वाला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं तो आपको आ जाता है दोस्तों न्यू साउथ वेल्स आ जाता है। सो नेक्स्ट आपका आता है विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया आता है, विक्टोरिया आपको नीचे दिख रहा होगा। अब इन सबकी कैपिटल, सभी जैसे आपके यहां राज्य हैं वैसे यहां प्रांत हैं, प्रांतों की कैपिटल देखिएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात, जैसे हमारा हुआ था उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, तो इसकी इस जो प्रांत की जो कैपिटल है आपकी डार्विन है। क्वींसलैंड की कैपिटल की बात करें, क्वींसलैंड की कैपिटल आपकी ब्रिस्बेन है, क्वींसलैंड का जो कैपिटल आपकी ब्रिस्बेन है। इसके बाद आपका आ जाता है न्यू साउथ वेल्स, और न्यू साउथ वेल्स की जो कैपिटल है वो आपकी सिडनी है, और न्यू साउथ वेल्स में ही सबसे बड़ी कैपिटल पूरे देश की कैपिटल है कैनबरा। खास बात है ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल कैनबरा है वो समुद्र तट पर नहीं है, वो समुद्र तट पर नहीं है, समुद्र तट से थोड़ा हटके अंदर की ओर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी हो जाती है कैनबरा हो जाती है। नेक्स्ट बात करें अगर हम थोड़ा सा इसको, आपको कैनबरा को इधर कर लीजिए ज्यादा सही रहेगा, ये इस साइड ग्रेट गार्डन रेंज के इधर कर लीजिए। सिडनी ये आपकी कहां की थी? सिडनी आपका ये है न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल हो गई। विक्टोरिया की कैपिटल आप देख सकते हैं मेलबोर्न है, ये भी तट पर है, समुद्र तट पर है। एंड नेक्स्ट ये आपका दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है एडिलेड है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल वो आपकी एडिलेड है। अब इसी प्रकार
इधर देखिएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, यहां तक का आपका पार्ट पश्चिमी, ये आपका ऊपर का उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इसकी डार्विन, क्लियर। तो डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की, पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, एडिलेड दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की, और ये पार्ट हमारा हो जाता है क्वींसलैंड की, ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की, सिडनी एंड विक्टोरिया की मेलबोर्न। इस प्रकार समुद्र तट पर ढेर सारे फेमस शहर बसे हुए हैं, तो इन शहरों का ऑर्डर पूछता है, ऐसे ऑर्डर लगाइए आप। एक बड़ा अच्छा शॉर्टकट दे रहा हूं, कभी भूलेंगे नहीं, देखिएगा कौन कौन से हैं। उधर से नेक्स्ट है, बीएससी बाद हम क्या करते हैं, एमए करते हैं, और फिर क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं। बी से सबसे पहले आपको दिल्ली ब्रिस्बेन पढ़ रहा होगा पहली, एस से सिडनी पढ़ रहा होगा, एस से आपका सिडनी, एम से फिर ऑर्डर क्या है, मेलबोर्न है, ए से फिर क्या है, एडिलेड है, पी से फिर क्या है, पर्थ है, और डी से क्या है, डार्विन है। तो यह एक आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज एक ऑर्डर आपको दिख जाएगा शहरों का। खास बात है कैनबरा आपका है वो समुद्र तट पर नहीं है। अब ये देखिए, ये आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहां पर अधिकतर चीजें ग्रेट के नाम से लेंगी। अगर आप टुक्का मारना चाहते हैं ग्रेट आए तो आप ऑस्ट्रेलिया टिक कर दीजिएगा, 99% चांसेस आपका आंसर सही जाएगा। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आपकी ये। इसी के पैरेलल यहां की जो सबसे बड़ी रीफ है, या विश्व की कह सकते हैं सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये इसी के पैरेलल यहां पे चलती है। ये हो गया, इसके आगे बढ़िए, अगर इसको हटा दें, नेक्स्ट देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहां के मरुस्थल अभी लास्ट ईयर पीसेस की परीक्षा में पूछा गया था, गिब्सन का मरुस्थल। दोस्तों गिब्सन का मरुस्थल ये पूछा गया था पेपर में कहां पर है, तो गिब्सन का मरुस्थल कहां है, ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन आगामी परीक्षा में कुछ और ही पूछ सकते हैं कि ये बताइए तनामी मरुस्थल कहां है, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रैंड सैंडी मरुस्थल कहां है, ऑस्ट्रेलिया में है। वृहत विक्टोरिया मरुस्थल कहां, ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन अब अगले एग्जाम में हो सकता है कि इनका पश्चिम से पूरब या उत्तर से दक्षिण मरुस्थल का ऑर्डर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आप उत्तर से दक्षिण आएंगे तो सबसे ऊपर देखिए तनामी आएगा, उसके बाद आपका ग्रैंड सैंडी मरुस्थल आएगा, फिर गिब्सन मरुस्थल आएगा, एंड फिर वृहत विक्टोरिया मरुस्थल आएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। मेंस इधर का लगभग पार्ट, ये पार्ट आप देखेंगे तो मरुस्थल का पार्ट है पूरा। मेंस यहाँ पर एक तरीके के पठार वगैरह हैं, यहाँ का फिर अब पठार वगैरह है तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। अब कुछ और भी रीजन है, ये आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, सो इधर से जो भी आपकी हवाएं आएंगी, मानसून आएगा, वो यहां से टकराएगा और अपनी लगभग जितनी वर्षा है इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के इधर भी करा देगा, इस साइड कराएगा। ये क्षेत्र जो आपका है इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के इधर वाला आपका भाग जो है वह कहीं ना कहीं वर्ष छाया क्षेत्र में आ जाएगा, मीन्स यहां पर वर्षा की मात्रा कम होगी। इस प्रकार इधर का पार्ट इसकी यहां तक हिसाब किताब, ये लगभग आपका मरुस्थल बना हुआ है। मरुस्थल होने के कारण यहां पर जो अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं यूकेलिप्टस वगैरह, जो कि पानी को और ज्यादा ही खींचते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया यहां कहीं ना कहीं पानी पानी की काफी कमी रहती है, इसलिए इसको प्यासी धरती की भूमि कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती की भूमि के उपनाम से भी जाना जाता है, पूछा जाता है प्यासी धरती की भूमि किस महादेश को जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। अब इनको अगर मैं हटा दूं तो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा यहां पर एक किम्बरली का पठार यहां पर है। अगर पूछा जाए किम्बरली का पठार, तो किम्बरली का पठार यहां पर है। नेक्स्ट ये आपको एक रेड कलर की रेखा दिख रही होगी और ये आपकी मकर रेखा, कौन सी है, मकर रेखा। तो क्वेश्चन पूछता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, दोस्तों तो मकर रेखा गुजरती है, मात्र एक, ना यहाँ कर्क जाएगी ना यहाँ से बिस्वत जाएगी, ओनली मकर रेखा जाएगी। और मकर रेखा पर एक बड़ा फेमस शहर है जिसको पूछा जाता है, राकहैम्पटन।
यहाँ पर मांस का बहुत अच्छा उत्पादन होता है, राक हैनपेटन। तो राक हैनपेटन एक प्रकार का बंदरगाह है, मांस प्रसंस्करण का कार्य यहाँ होता है, और ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, मकर रेखा पे है। और दूसरा बात, फिट जराय नदी कुछ हाईलाइटेड यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 4 बार काटती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वह कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 4 बार काटती है, तो दोस्तों वो आपकी ये फिट जराय नदी है, ये हो जाता है। नेक्स्ट, यहीं से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से बड़ी फेमस नदी निकलती है डार्लिंग, और एक दूसरी इधर से आती है मरे। देख लीजिएगा ये फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये आपकी इधर से डार्लिंग आ रही है, ये आपकी इधर से मरे डार्लिंग, दोनों मिलकर बन जाती है मरे डार्लिंग, और ये जाके इनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है। तो क्वेश्चन पूछता है मरे डार्लिंग नदी पहले तो बताइए किस देश की है, तो ये आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया देश की है। कौन सी खाड़ी में गिरती है, इनकाउंटर। और दोस्तों जब किसी का इनकाउंटर होगा तो मरना तो स्वाभाविक है, तो आप इसको ऐसे करेक्ट कर लीजिए, मरे डार्लिंग कहाँ गिरती है, इनकाउंटर की खाड़ी में, और इनकाउंटर की खाड़ी के बगल में ही आपके स्पेंसर की भी खाड़ी है। आगे आइए, नेक्स्ट देखते हैं। इतना होने के बाद ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, इसको हटा देते हैं। तनामी मरुस्थल हटाइए, ये हटा दीजिए। हाँ, यहां की सबसे बड़ी झील दोस्तों है वो आपकी है आयर झील। यहां की सबसे बड़ी झील आयर झील है, और सबसे जो डाउन अर्थ पॉइंट है वो यहीं पर है, आयर झील पे है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु अगर पूछा जाए तो कहां है, आयर झील में है। अब यह सबसे अगर देखा जाए भूमि का गहरा एरिया यहां पर पूरा, ये पूरा कंप्लीट डाउन है, मतलब उस सामान्य तल से काफी नीचे है यहां पर, इसीलिए यहां के मैदान को डाउन्स बोला जाता है। जो यहां पर गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं उसको हम बोलते हैं डाउन्स। तो यहां की जो घास है या गेहूं उत्पादक क्षेत्र है उसको हम डाउन्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दोस्तों बात करते हैं यहां पर्वत श्रेणी कौन कौन सी मुख्य हैं। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आप देख ही रहे हैं, बता ही चुका हूं मैं आपको लोग, ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया। इसके अलावा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ईसा पर्वत पूछा गया, ईसा पर्वत ये आपका पड़ेगा यहीं पर है। ब्रोकन हिल्स ये आपका दिख रहा होगा, ब्रोकन हिल्स। सुनोई का पर्वत पेपर में पूछा गया कई बार, सुनोई का पर्वत कहां पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया। डार्लिंग रेंज किधर पड़ेगी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोयुस्को, ये है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोयुस्को। लेकिन अगर हम पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओशोनिया की पूछें तो हो जाएगी माउंट विलहम, ये हो जाएगी। तो अगर ओशोनिया महाद्वीप की बात करोगे कंप्लीट, तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी माउंट विलहम होगी, और केवल ऑस्ट्रेलिया देश की बात कर रहे हैं तो माउंट तो इसके हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट, इसके अलावा देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलियाई अल्पस है, ये नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलियाई अल्पस यहां पर है आपका। नीचे आते हैं तो ये आपका ओसा पर्वत है, तस्मानिया में ओसा पर्वत है, और एक तस्मान पर्वत है जो कि यहां तस्मानिया में ना होके ये आपका पड़ेगा न्यूजीलैंड में पड़ेगा। तो ये उत्तरी द्वीप, ये दक्षिणी, दक्षिणी न्यूजीलैंड में ये देखिएगा तस्मान पर्वत, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहीं पर आपका ये दक्षिणी अल्पस, ये इंपॉर्टेंट है दक्षिणी अल्पस, और इसी न्यूजीलैंड फेमस शहर क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च में कुछ दिन पहले एक आतंकवादी अंदर चला गया था, उसने ताबड़तोड़ गोली चलाई थी जिसमें काफी लोग मारे गए थे, इसलिए हल्का सा क्राइस्ट चर्च फेमस है। तो क्राइस्ट चर्च फेमस शहर कहाँ का है, न्यूजीलैंड का है, और न्यूजीलैंड में मुख्य उद्योग क्या है, डेयरी उद्योग यहाँ का अत्यधिक चर्चित है। तो ये यहाँ के प्रमुख हो गए पर्वत, डार्लिंग रेंज, ब्रोकन हिल्स, स्नोई पर्वत, ईसा पर्वत,
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यस। अब बात करते हैं यहां के अन्य चीजों को लेके जो प्रश्न में आते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं कि विश्व में कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन कौन से प्रमुख धातुएं हैं जो कहां पाई जाती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्लेस तो अत्यधिक चर्चित है जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, जैसे सबसे ज्यादा पेपर में कूल गाड़ी और काल गोडली पूछा जाता है। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। कूल गाड़ी विश्व की सबसे बड़ी, कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा सोने की खान है वो कौन सी है, कूल गाड़ी की। विश्व में सबसे ज्यादा जो गोल्ड माइन आपको मिलेगा कूल गाड़ी में मिलेगा, जबकि काल गुरली में जो मेजोरिटी है वो आपकी सिल्वर की है, एस एस फॉर सिल्वर, गोल्ड भी है सिल्वर भी है। इसी प्रकार पिलबरा में आप बात करेंगे तो पिलबरा तो वैसे फेमस है लौह अयस्क के लिए, पिलबरा की जो खान है किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क। बट इसके अलावा यहां पर गोल्ड और सिल्वर भी हल्का फुल्का मिलता है। इसी प्रकार किम्बरले का पठार, किम्बरले के पठार की बात करोगे आप तो एम एम फॉर मैग्नीस, मैग्नीस के लिए बहुत फेमस है, इसके अलावा एस एस फॉर सिल्वर, तो यहां ये मिल जाएगा। माउंट ईसा में सीसा, माउंट ईसा में ना हाँ सही, माउंट ईसा में सीसा, ब्रोकन हिल्स में सीसा, इसके अलावा एस फॉर सिल्वर, माउंट ईसा में सिल्वर के लिए फेमस है और ब्रोकन हिल्स में कॉपर, ब्रोकन हिल्स में कॉपर है, कॉपर प्लस सीसा का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। इसके अलावा माउंट मोर्गन है, यहां पर गोल्ड, माउंट मोर्गन में आप गोल्ड पा सकते हैं। तो यहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया किम्बरले का पठार पूछा गया है, किसके लिए है, चांदी के लिए है, मैग्नीस के लिए है। माउंट ईसा किसके लिए है, सिल्वर के लिए है। कूल गाड़ी किसके लिए है, मेन गोल्ड के लिए जाना जाता है। वो काल गुड़ली किसके लिए, चांदी के लिए जाना जाता है, सोने के लिए जाना जाता है। वो पिलबरा किसके लिए मेन है, लौह अयस्क। ये प्रमुख खान है मिनरल्स के लिए जो कि वर्ल्ड स्तर पर फेमस है और एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, सो दोस्तों इसमें लगभग काफी चीजें मैंने कवर कर दी, कुछ पार्ट छूट रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। एक तो जैसे यहाँ का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछेगा उनको एक लास्ट दो मिनट की सिनॉप्सिस में देखें। ये जो घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, ये पूछे गए हैं। इसके अलावा कूलगाड़ी, कालगोली, पिलबरा पूछे गए हैं, मरुस्थल पूछे गए यहाँ से, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एंड ग्रेट बैरियर रीफ पूछी गई है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, प्यासी धरती की भूमि किस महाद्वीप को कहते हैं वो पूछा गया है, द्वीपीय देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया है वो पूछा गया है। इतने क्वेश्चन यहाँ के सबसे ज्यादा पेपर में आए। बाकी यहाँ की जलसंधिया पेपर में बहुत पूछे गए, टॉर्स जलसंधि चाहे बॉस जलसंधि हो। सो एक वीडियो में पूरा कवर करना मुश्किल है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैप बनेगा, फिर से सारी जो छूटी हुई चीजें हैं जैसे कौन कौन सी जनजातियां हैं, झीलें अन्य कौन कौन सी हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का पार्ट वन है, पार्ट टू में हम यहाँ में जो चीज़ें छूट गई हैं उनको कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।